हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर अक्टूबर मंथ की, करंट अफेयर पार्ट टू की। पार्ट वन की करंट अफेयर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अक्टूबर मंथ की, तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा था। और रिलीवेंट क्वेश्चन है इसमें जो मैंने कलेक्ट करके बनाए हैं पूरे पार्ट टू में, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे, तो वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर पूछे भारतीय डाक दिवस, तो भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ठीक है? ये चीज़ अभी कंफर्म कर लें। नेक्स्ट है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, यानी एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड्स 2019 किसे दिया गया? वो दिया गया है रमेश पांडे जी को, IAS ऑफिसर हैं, IFS हैं, ठीक है, लखनऊ में। और ये इन्हें पुरस्कार ये दिया गया है किसकी तरफ से? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी UNEP, ब्रांच ऑफ UNO, इस की तरफ से इन्हें दिया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म बहुत आ जाती है UNEP की, तो ये प्लीज़ आप कंफर्म कर लें, ठीक है? नेक्स्ट इज देश का पहला ई कचरा क्लिनिक, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस राज्य या किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, वहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है? अगर ई कचरे के उत्पादन की बात करें तो प्रथम राज्य जो है वो है आपका तमिलनाडु और दूसरा है UP। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। साथ में जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो कैसी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO और UPPCS के लिए हमने नए ग्रुप स्टार्ट कर दिए हैं, पेड ग्रुप, जिसमें इस तरीका एक करंट अफेयर प्लस जो भी मैं स्टैटिक GK GS देता हूँ वो भी रिलेवेंट होता है, इस तरीके से ही लिखता हूँ जैसे आप लोगों को डिस्प्ले पर हाईलाइट हो रहा है। तो आप उन ग्रुप की क्वेरी लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं, 7500110314, ठीक है? तो ये आप लोग इस नंबर पर क्वेरी करके ले सकते हैं, ठीक है, जानकारी पेड ग्रुप के बारे में। साथ में MP, बिहार, UP, APO और UPPCS के लिए भी पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज यूनेस्को की सद्भावना दूत अभी किसे नियुक्त किया गया है रिसेंटली? तो वो हैं यालिजिया अप्रेसियो, ये मेक्सिको की हैं, ठीक है, अभिनेत्री हैं, और इन्हें यूनेस्को का जो है सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है यूनेस्को का, तो वो है पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स डे किस दिन मनाया जाता है? वो है 11 अक्टूबर को। और इस बार की जो थीम थी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गर्ल्स फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखनी है थीम, ठीक है। नेक्स्ट इज कारपेट क्या है, पूछ लेगा कारपेट क्या है? तो कारपेट है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में गश्त लगाई थी बंगाल की खाड़ी में, पेट्रोलिंग की थी, तो वो ये है, दोनों को संयुक्त रूप से नाम दे दिया गया था कारपेट, ठीक है। नेक्स्ट है ऐप है एम हरियाली, ऐप का नाम है एम हरियाली, तो ये किससे संबंधित है? ये है लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं एम हरियाली, ठीक है, कृषि मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा इंडिया गेट नई दिल्ली, ठीक है। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको कौशल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वैश्विक स्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वह 68वां और पहले स्थान पर है सिंगापुर। फ्रेंड्स ये PDF आपको चाहिए करंट अफेयर की, तो आप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे टारगेट फॉर IQ तो भी आपको लिंक मिल जाएगा चैनल। नेक्स्ट है पुर्तगाल के नए PM बने हैं, दोबारा से ही बने हैं एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट है भारत चीन वार्ता जो 2019 में हुई है अभी, तो कहाँ पर हुई है? महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में। असल में महाबलीपुरम में चोल वंश के समय चीन से व्यापार संबंध थे और इसलिए वहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी, और ये हमारी तरफ से मीटिंग नहीं रखी गई थी बल्कि चीन की तरफ से, बिकॉज चीन में आर्थिक मंदी चल रही है जिसकी वजह से भारत ने भी काफ़ी सारे चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था, उसी को लेकर लगभग 15 समझौते हुए हैं और सारे के सारे समझौते केवल और केवल व्यापार से रिलेटेड हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18 किसे दिया गया? ये अब 31 अक्टूबर को दिया जाएगा जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की
जयंती है, एकता दिवस के रूप में उसे मनाते हैं, तो ये दिया जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट को, जो चिपको आंदोलन के बिल्कुल प्रख्यात नेता रहे हैं। बिल्कुल उनके चंडी प्रसाद जो जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था। नेक्स्ट है, टेस्ट मैच में सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाला कौन खिलाड़ी बना है? अभी हाल ही में तो वह विराट कोहली, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया इन्होंने दोहरा शतक। नेक्स्ट है, जेमिनी सिस्टम क्या है? तो गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को रोकने के लिए, आगाह करने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए एक जेमिनी सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे धनी शहर कौन है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो सबसे धनी शहर है न्यूयॉर्क, दूसरे नंबर पर है टोक्यो, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए का, टोक्यो जापान का, ठीक है, और बम्बई 12वें नंबर पर है और दिल्ली जो है वो 22वें नंबर पर, अगर रिच सिटी की बात करें तो। नेक्स्ट है, रग्बी विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो वो होगा जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है, तूफान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको तो नोट ही कर लें आप किसी बुक में, कॉपी में, तो ये आपको आएगा ही आएगा। ये है तूफान हेगिबिस किस देश से संबंधित है या किस देश में आया? तो आया जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है, फरिश्ते दिल के योजना किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली से। और इसमें क्या है कि दुर्घटना में जो पीड़ित हो जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में संत का दर्जा किसे दिया गया है? तो संत का दर्जा जो दिया गया है हाल ही में, वो दिया गया है मरियम थेरेसिया को, ठीक है। तो वेटिकन सिटी में जो पोप है वो दिया जाता है, लगभग 93 इनकी डेथ के 93 ईयर्स बाद इनको ये दर्जा मिला है संत का, ठीक है। तो ये आप लोग, ये करंट अफेयर थी, अभी इसके दो पार्ट और आएंगे करंट अफेयर के अक्टूबर मंथ की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा पेज फेसबुक पर भी है, टेलीग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, केवल और केवल पेड ग्रुप ज्वाइन करने की क्वेरी लेने के लिए आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।